नमस्कार, डीपी की न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आरवी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। इस बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर एक याचिका की सुनवाई को मथुरा जिला न्याय अदालत ने मंजूरी दे दी है। याचिका में उस जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। माना जाता है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में मुगल बादशाह और के औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि के बगल में वहां स्थित मंदिरों को नष्ट करके किया गया था। मथुरा जिला और सेशन कोर्ट ने इसी कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी हुई ईदगाह मस्जिद की भूमि के मालिकाना हक वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। याचिका को मंजूरी देने वाले डिस्ट्रिक्ट जज राजीव भारती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पक्षों ने याचिका में अपील की है कि ईदगाह मस्जिद को हटाकर भूमि का मालिकाना हक उन्हें सौंपा जाए। ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी है जिसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। ये पूरा विवाद उस भूमि को लेकर है जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये भगवान श्री कृष्ण विराजमान से संबंधित है। याचिका को पहले निचली अदालत ने सितंबर 2020 में खारिज कर दिया था और फिर इस मामले में जिला जज के सामने रिविजन पिटिशन दायर की गई थी। अब इस दीवानी मुकदमे की सुनवाई निचली अदालत करेगी। राजस्व रिकॉर्ड देखने के अलावा अदालत को मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संस्थान और मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच 1986 के समझौते की वैधता भी तय करनी होगी। इस समझौते में मंदिर प्राधिकरण ने भूमि के विवाद संबंध हिस्से को ईदगाह को दे दिया। इस विवाद को लेकर मथुरा की स्थानीय अदालतों में कम से कम एक दर्जन केस फाइल हो चुके हैं। इन सभी याचिकाओं में एक आम मांग है कि 13.37 एकड़ के परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की। यह मस्जिद कटरा के शव देव मंदिर के पास स्थित है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी मंदिर परिसर में हुआ था। याचिकाओं की अन्य अपीलों में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे करवाए जाने और वहां पूजा के अधिकार दिए जाने की मांग शामिल है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट एडवोकेट माहक महेश्वरी की उस जनहित याचिका की सुनवाई भी कर रहा है जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद को सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाने की मांग की गई है। इस पीआईएल की शुरू से सुनवाई के लिए वकील की उपस्थिति न होने की वजह से खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस प्रकाश पांड्या के बीच इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। इस पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होने की संभावना है। एक अलग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन को कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर मामले के 4 महीने के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया। जस्टिस सलील कुमार राय मनीष यादव की उस याचिका की सुनवाई कर रहे थे जिन्होंने खुद को देवता का निकटतम रिश्तेदार होने का दावा किया है। मनीष ने अपनी याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की है। 2020 में लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर सिविल कोर्ट में एक याचिका डाली थी। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर परिसर से हटाने की मांग की गई थी। रंजना ने श्री राम जन्मभूमि पर एक ही किताब लिखी थी। उन्होंने श्री कृष्ण विराजमान के परिजन की ओर से एक मुकदमा करने का दावा किया है। याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क में कहा कि जिस मूल कारागार यानी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वह ईदगाह मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बनाए गए कंस्ट्रक्शन के नीचे है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि खुदाई के बाद कोर्ट के सामने सही तथ्य सामने आ सकेंगे। कुछ स्थानीय वकील भी मामले की याचिकाकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं। इसमें मंदिर ट्रस्ट और शाही ईदगाह को याचिका का जवाब देने के लिए पक्षकार बनाया गया है। वहीं सितंबर 2020 में जज छाया शर्मा ने सुनवाई के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया था। जज ने कहा था कि अग्निहोत्री और अन्य याचिकाकर्ताओं के पास ठिकाना नहीं था और जब मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण पहले से मौजूद है तो वे देवता के निकटतम परिजन नहीं हो सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि मंदिर और शाही ईदगाह के बीच 967 में समझौता हुआ था।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि मंदिर और शाही ईदगाह के बीच 1967 में समझौता हुआ था, जिसके बाद में अदालत के एक फरमान के जरिए औपचारिक रूप दे दिया गया था। शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 1670 में औरंगजेब ने करवाया था। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने मंदिर की जगह कराया गया था। जुगल किशोर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिससे कटरा केशव देव मंदिर स्वामित्व का अधिकार हासिल कर लिया गया था। 1946 में जुगल किशोर बिड़ला ने जमीन की देखरेख के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था। साल 1967 में जुगल किशोर की मृत्यु हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 1967 से पहले परिसर बहुत विकसित नहीं था, साथ ही 13.37 एकड़ की भूमि पर कई लोग बसे हुए थे। 1967 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझौता कर लिया था, इसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिमों को सौंप दिया गया था। 1967 में हुए समझौते के बाद परिसर में रह रहे मुस्लिमों को इसे खाली करने को कहा गया, साथ ही मस्जिद और मंदिर में एक साथ संचालित करने के लिए बीच दीवार बना दी गई। समझौते में ये भी तय हुआ कि मस्जिद में मंदिर की ओर कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, यानी यहाँ उपासना के दो स्थल एक दीवार से अलग होते हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 1967 में यह समझौता धोखाधड़ी से किया गया था और कानूनी रूप से ये वैध नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में देवता के अधिकारों को समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि देवता कार्यवाही का हिस्सा नहीं थे। एक देवता के अधिकार क्या है? भारतीय कानून के मुताबिक एक देवता को प्राकृतिक व्यक्ति के बजाय एक न्यायिक व्यक्ति माना जाता है। देवी देवताओं को संपत्ति अर्जित करते, बेचने, खरीदने, ट्रांसफर करने और कोर्ट केस लड़ने समेत सभी कानूनों के अधिकार होते हैं। कानून में देवता को नाबालिग जैसा माना गया है और कोर्ट में वह पुजारी के माध्यम से अपना केस लड़ सकते हैं। हिंदुओं के देवी देवताओं को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार मिलते हैं।